अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग आम रूटीन के काम कर रहे थे, घर में खाना बना रही थी मैं और रूहान भी खेल रहा था कि हस्बैंड की कॉल आई। उन्होंने कहा कि यहाँ घर के नज़दीक ही एक कार्निवल लगा हुआ है, तो चलो उसको देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। और लास्ट डे था उसका, तो हम लोग भी निकल पड़े उसको देखने के लिए। तो जब हम वहाँ एंटर हुए हैं तो वो लोग कूपन जो थे वो फिल करवा रहे थे और 10:30 उनकी लकी ड्रॉ करना था उन्होंने, तो हमने भी कर दिया। थोड़ा सा हम लोग आगे गए हैं तो वहाँ एक म्यूज़िकल शो भी लगा हुआ था और काफ़ी स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे खाने पीने के, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे वहाँ। एक साइड पे बच्चों के खेलने के लिए भी प्ले एरिया बनाया हुआ था और ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ ब्रांड की सेल भी लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि सबसे पहले यही देख लेते हैं ब्रांड की सेल और बाद में फिर बाहर आके हम इंजॉय कर लेंगे। एक साइड पे बच्चों के कपड़े भी लगे हुए थे और बड़ों के भी थे और ज्वेलरी भी थी, जूतों की सेल भी थी और परफ्यूम भी थे, बर्तनों के भी काफ़ी ढेर लगे हुए थे वहाँ पे और काफ़ी अच्छी थी और रिजनेबल प्राइस में मिल रही थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये नेक्स्ट हॉल था जहाँ पे जूतों की और ज्वेलरी, मेकअप और बैग्स वगैरह लगे हुए थे और रमजान से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ अवेलेबल था वहाँ। मुझे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अगर कुछ रीज़नेबल चीज़ कुछ अच्छी प्राइस में मिल गई तो ले लूँगी मैं भी।
मेकअप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पे अवेलेबल, लेकिन लिपस्टिक्स वगैरह को उन्होंने टेप अप किया हुआ था ताकि लोग इनको ओपन ना कर सकें, यूज़ ना करके देख सकें। यू नो कोरोना की वजह से ये सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन टेस्टर भी पड़े हुए थे वहाँ, अच्छे कलर्स अवेलेबल थे। लेडीज़ जूतों की वैरायटी मुझे तो इतनी कुछ ख़ास नहीं थी लगी, क्योंकि ऐसे सिंपल से थे, कोई फैंसी टाइप के जूते नहीं थे। बच्चों के जूते पड़े हुए थे वहाँ, चप्पल वगैरह, तो वो मैं देख रही थी अपने बेटे के लिए अगर प्लास्टिक वाली मिल जाती थे, लेकिन वो थोड़े बड़े बच्चों के थे, मेरे बेटे के लिए सूटेबल नहीं था वो। नेक्स्ट स्टेप पे बैग्स लगे हुए थे, बैग्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और लाइट वेट थे बैग, और थे भी रिजनेबल प्राइस में, अच्छे थे वहाँ पे, तो अच्छी भी थे। बैग्स वगैरह देखने के बाद हम लोग टर्न होके बाहर को आ गए थे। वहाँ पे कपड़ों की काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन वो ज़्यादा अरबिक स्टाइल के थे या फिर उनके हिसाब से ही थे, पार्टी वेयर घर में पहनने वाले नहीं थे और थे भी लॉन्ग टाइप के, तो मुझे तो इतने वो ख़ास नहीं लगे। और कुछ सर्दियों की वैरायटी थी, शॉर्ट्स वगैरह थी, और प्राइस भी उनके ज़्यादा थे, लग ही नहीं रहा था कि ये सेल में है। स्टॉलर में चेक कर रही थी लेकिन एक्सपेंसिव थे काफ़ी, और कपड़ा इतना ख़ास नहीं था उनका। बच्चों की भी वैरायटी थी वहाँ, लेकिन साइज़ नहीं थे सारे अवेलेबल, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। ये थी सेल, और इसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ प्ले एरिया में,
पेरेंट्स के लिए उन्होंने एक साइड पे चेयर्स लगाई हुई थी और वहाँ पे टिकट थी। पेरेंट्स ने बच्चों को वहाँ छोड़ दिया था खेलने के लिए और ख़ुद बैठे सारे, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा था, कोई पॉपकॉर्न खा रहा था, बच्चे अपनी जगह एंजॉय कर रहे थे और बड़े साइड पे बैठे अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे। मौसम भी आजकल अच्छा है, शुरू के एक दो दिन मार्च के काफ़ी गर्मी रही है यहाँ, लेकिन आजकल बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जैसे बारिश के बाद का मौसम होता है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी ऐसी जगहों पे आना जाना। कुछ बच्चे नैनीज के साथ बैठे हुए थे, लेकिन 3+ बच्चों के लिए थी ये जगह, मेरा बेबी अंदर नहीं जा सकता था। फिर हम लोग दूसरी साइड पे आए, वहाँ खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे, मैंने कहा थोड़ा इनको भी देख लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ खाने वाली स्नैकिंग में मिली तो हम लोग भी कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। हॉट डॉग्स बना रहे थे यहाँ पे, सैंडविचेस, तो ज़्यादा वैरायटी इस तरह की नहीं थी कि समथिंग स्पेशल हो। रामेन नूडल्स बना रहे थे कहीं पे और चाट वगैरह थी और कुछ अरबिक स्टाइल के ही खाने थे। यहाँ पे आई थिंक वीडियो बनाना अलाउ नहीं था क्योंकि वो अरबिक लेडीज़ जो थी वो स्टॉल्स लगा के बैठी हुई थी। किसी ने मना तो नहीं किया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि कैमरा देख के वो लोग एक साइड पे हो जाती थी, तो फिर मुझे भी कुछ मुनासिब नहीं लगा के वीडियो बनाए इस जगह पे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको कट ऑफ कर दिया। यहाँ पे स्टेज बना हुआ था और अरबिक में ही वहाँ सॉन्ग्स लगे हुए थे, कुछ ऑडियंस भी बैठी हुई थी। आई थिंक वो लोग वेट कर रहे थे कि लकी ड्रॉ कब हो, तो तब 9:00 हुए थे, अभी 1.5 घंटे था उनके लकी ड्रॉ करने में। थोड़े दूर दूर भी लोग बेंचेस पे बैठे हुए थे और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। आई थिंक 2-3 दिन पहले लगा था ये कार्निवल, तो हमें पता ही नहीं था, उस दिन लास्ट डे था जब हम लोग गए हैं। और नेक्स्ट जहाँ जिस सिटी में लगना था उसका भी उन्होंने वहाँ अनाउंसमेंट की हुई थी, जगह जगह लिख के भी लगाया था। तो आई थिंक इस तरह के कार्निवल्स वगैरह होते रहने चाहिए, इस तरह से लोगों को भी इंजॉय करने का मौका भी मिल जाता है और सेल्स भी इंजॉय कर लेते हैं लोग और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है गेट टुगेदर के लिए। हम लोगों ने भी लकी ड्रॉ का वेट नहीं किया, फिर हम लोग घर आ गए क्योंकि खाना वगैरह भी हमने अभी खाना था और ये वीकेंड नहीं था कि हम ज़्यादा टाइम तक बाहर रहते, इसलिए फिर हम लोग वापस आ गए। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने भी वहाँ से खरीदी, आपके साथ शेयर करती हूँ वो भी। ये गार्लिक चॉपर लेके आई थी मैं वहाँ से और काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। ये पॉपकॉर्न का था और मुझे बड़ा पसंद आया था ये, मैंने कहा ये तो मैंने लेना ही है मस्त, बहुत अच्छा लग रहा था ये मुझे। अभी नेक्स्ट मैं ग्रोसरी के लिए जाऊँगी तो फिर वो कॉर्न भी लेके आऊँगी पॉपकॉर्न बनाने के लिए। मज़ा आता है जब घर में भी मूवी देखें तो साथ में पॉपकॉर्न बना लेते हैं। रमज़ान आ रहा है तो उसमें काफ़ी गेट टुगेदर होती है, सम टाइम इफ्तार के लिए ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा बर्तनों की भी ज़रूरत होती है। शीशे के ग्लास मुझे चाहिए थे तो मैंने वो दिए वहाँ से, और कुछ स्टैंडर्ड साइज़ के कप जो थे वो भी ख़त्म हुए थे मेरे, तो इसलिए फिर मैं ग्लास और कप ले आई वहाँ से और डेढ़ सीट से।